नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। यादों के सफर में इस सीरीज में हम ऐसी कहानी बताएंगे जिसके बारे में शायद ही किसी को कुछ पता होगा। कुछ दिन पहले हमने नरगिस की माताजी जद्दन बाई पर वीडियो बनाया था जिसमें हमने उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, पर वहां हमने कहा था कि नरगिस के पिताजी मुस्लिम थे। पर इस बात में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी जो जद्दन बाई और नरगिस के पिताजी से जुड़ी हुई है। ये तो सब जानते हैं कि नरगिस के पिताजी का नाम अब्दुल रशीद है, पर सवाल ये है कि उन्होंने किस मजबूरी में मुस्लिम धर्म अपना लिया। असल में उनका असली नाम था उत्तम चंद मोहन चंद, जो अविभाजित भारत के रावलपिंडी के बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे उत्तम चंद मोहन चंद उर्फ मोहन बाबू काफी अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा था कि उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन जाएंगे। कुछ दिन वो लखनऊ रुक गए। वहां उन्होंने किसी लड़की को गाते हुए सुना। उस लड़की की आवाज इतनी प्यारी थी कि तुरंत ही मोहन बाबू को उस आवाज से मोहब्बत हुई। सब कुछ छोड़कर वे उस आवाज की खोज में निकल पड़े। इस तरह मोहन बाबू की मुलाकात जद्दन बाई से हुई। आपको बता दूं कि जद्दन बाई ठुमरी इस गायन शैली की प्रसिद्ध गायिका थी, जिन्होंने आगे चलकर फिल्मों में भी नाम कमाया। खैर, मोहन बाबू को आवाज सुनकर प्यार तो हो गया और तुरंत ही उन्होंने जद्दन बाई को प्रपोज कर दिया। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि जद्दन बाई मुस्लिम समाज से थी और मोहन बाबू हिंदू थे। इसीलिए सिर्फ शादी करने के लिए मोहन बाबू ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। आपको ये भी बता दूं कि मोहन बाबू को मुस्लिम धर्म में लाने के लिए जिसने मदद की, वे थे भारत के नामी फ्रीडम फाइटर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस तरह मोहन बाबू बन गए अब्दुल रशीद। जद्दन बाई और मोहन बाबू 1934 के साल में लाहौर से मुंबई आए थे। सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त अपनी किताब में लिखती हैं कि इस शादी के बाद उनके परिवार में बेहद तनाव निर्माण हुआ और वे जीवन भर मोहन बाबू इस नाम से पहचाने गए। प्रिया दत्त अपने किताब में आगे लिखती हैं कि मोहन बाबू कन्वर्ट जरूर हुए, पर आजीवन वे मोहन बाबू इस नाम से पहचाने गए। किस्मत का खेल ये भी था कि मोहन बाबू एक मोहयाल ब्राह्मण थे। मोहन बाबू और जद्दन बाई की बेटी नरगिस ने भी एक मोहयाल ब्राह्मण से शादी की थी। वे थे सुनील दत्त। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।